पिछले 72 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, शहर में जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं इस संबंध में महानगर का पड़ताल करने गोरखपुर न्यूज़ की टीम लाल रिग्गी के पास हाबड़ बंधे पर स्थित बने पंप हाउस का जायजा लिया। गोरखपुर न्यूज़ टीम की पड़ताल में देखा गया कि सारी नालियों से पानियों का रिसाव शहर से बाहर नदी की तरफ पंप हाउस से पास बने रेगुलेटर से हो रहा है। साथ ही जब पंप हाउस का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि राप्ती नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद जब रेगुलेटर बंद हो जाएगा, इस दौरान शहर से बाहर पानी निकलने के लिए पंप हाउस पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने पंप हाउस पर तैनात ऑपरेटर भोला प्रसाद से बात किया तो उन्होंने बताया। भोला प्रसाद नाम है सर। सर मैं ठेकेदार द्वारा हूँ, मतलब मैं चौकीदार भी हूँ और ऑपरेटर भी हूँ सर। तो जब समय आता है तो चलाते हैं इसको हम सर। मेरा तो ये नाला अभी बह रहा है सर, और इसके बाद जब ये गेट बंद हो जाएगा तो हम ऊपर से पानी निकालते हैं अपना ये पंप चला करके। अभी तो बह रहा है सर, आपके सामने ये पानी बह रहा, जो शहर का गंदा पानी है ये बह रहा मेरे नाले से बह रहा। अभी अब इसको जब बरसात और ज़्यादा होगा सर तो ये गेट बंद हो जाएगा उधर से, तो हम अपना पंप हाउस चला देंगे। पंप जितने भी हमारे इंजन हैं सब हम चला देंगे, तो ऊपर से हम पानी फेंकते हैं पंप द्वारा। सारे जनरेटर खुले पड़े हैं क्या हो रहा? नहीं, सब बनाए हुए हैं, उसमें एक घंटा दो घंटे लगेंगे सर, वो सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। और अभी बहुत ज़्यादा समय लगता हमारे इस सेंटर से, मिर्ज़ापुर बाढ़ सेंटर से बहुत ज़्यादा समय पे यहाँ बाढ़ आता है। नहीं तो हमारा तो इसे हमारा नाला आप देख ही रहे बह रहा है। और उसके बाद सर, और ये जनरेटरों का जो काम चल रहा है कब तक पूरा हो जाएगा सर? 10-2-4 दिन में हो जाएगा सर, इसका ये काम 2-4 दिन में हो जाएगा।